हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 223 अंक टूटकर 62,625 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 71 अंक फिसलकर 18,600 के नीचे क्लोज हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 43,989 के लेवल पर सपाट बंद हुआ। बाजार का दिन भर का हाल समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा कि बाजारों में ऊपरी स्तरों से जैसे ही ओपनिंग हुई उसके बाद धीरे 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 गिरावट का ही मूड माहौल बनता हुआ नजर आया। काफी सारे स्टॉक्स और स्पेसेस ऐसे थे जहां पर दबाव का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा था, जिसमें निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हालांकि तेजी का मूड माहौल थोड़े बहुत स्टॉक्स में तो था, जिसमें इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक शामिल रहे, बट वो भी करीबन 1.5 से 2% तक ही चलते हुए नजर आए। बट भारी बिकवाली कहां पर थी निफ्टी गिरावट में, सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स जो ऑटो स्पेस थे, जो पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी बना रहे थे, मुनाफा वसूली का दौर यहां पर देखने को मिला। साथ ही टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स पर भी 2 से 2.5% तक की गिरावट रही। इनफैक्ट आज का जो स्टॉक इन फोकस था वो आईएक्स रहा, जिस तरह से यहां पर पावर मिनिस्ट्री की तरफ से निर्देश आते हुए दिख रहे हैं कि आगे चलकर चरणबद्ध तरीके से जो मार्केट कपलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लाया जाए, तो उससे हो सकता है कि आईएक्स पर आपको और फर्दर दबाव आगे आता हुआ दिखे। इनफैक्ट यहां पर आज 10.5% के गिरावट के साथ ही यह क्लोजिंग होती हुई नजर आई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पीछे नहीं थे, 6.5% तक का दबाव यहां पर भी देखने को मिला। शुगर स्पेस जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी तेजी इनकी कीमतों में आती हुई दिखी, आइस रॉ शुगर में जो अच्छा रिबाउंड आया गिरावट के बाद, उस वजह से बजाज हिंदुस्तान, मवाना शुगर, बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स भी बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखा रहे थे। साथ ही सीमेंट स्पेस से टॉप गेनर निकल कर आया इंडिया सीमेंट्स का काउंटर, 7% तक की दमदार तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही थी। रियल्टी स्पेस भी थोड़े बहुत गेनर्स में थे, जिसमें रेमंड, मैक्रोटेक डेवलपर शामिल रहे, और टॉप गेनर्स के लिहाज से एचएल करीबन 6.2% के गेन्स के साथ अच्छी तेजी बनाया, 812-813 के लेवल्स पर पीटीएम भी जाते हुए नजर आए। तो छोटे मझोले शेयरों में तो अच्छी खरीदारी आज आपको देखने को मिली, हालांकि इंडेक्स लेवल पर आज आपको लार्जली दबाव का एक्सपीरियंस हुआ, खासकर निफ्टी की अगर हम बात करें तो। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरावट या तेजी का रुझान वहां पर नहीं बना, पर टॉप लूजर्स में ईकेआई एनर्जी 14.5% तक का आज दबाव रहा। साथ ही बीईपीएल, बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स यहां पर भी आज आपको भारी बिकवाली नजर आई। तो काफ़ी मिक्स बैग था, हालांकि जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस थे कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट का मूड माहौल में थे। अब देखना है कि सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं अपने नए कारोबारी सत्र के साथ, वहां पर किस तरह का ट्रेड आता हुआ नजर आता है।